त्योहारों पर भूषण ज्वेलर्स लेकर आए हैं स्वर्ण समृद्धि योजना जो 10 सितंबर से शुरू है। तो खरीदारी करें और जीतें प्रथम पुरस्कार 2.5 लाख के आभूषण। ऐतिहासिक नगरी किरतपुर साहिब के गुरुद्वारा पतालपुरी साहिब के नजदीक सपना दरिया के किनारे बने शमशान घाट पर रहने वाले बंगाली बाबा लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। जो काम सरकार या समाज सेवी संस्थाएं नहीं करवा सकी, वो काम वह अकेले बंगाली बाबा बड़ी लगन के साथ करवा रहे हैं। 7 साल पहले कोलकाता के रहने वाले तपन कुमार उर्फ बंगाली बाबा किरतपुर साहिब के शमशान घाट में आए। जब वे यहाँ पर आए तो उस समय शमशान घाट पर सिर्फ एक ही कमरा बना था और मृतक प्राणियों के संस्कार के लिए केवल एक ही शब्द बनी हुई थी। जब कभी मौसम खराब हो जाता था तो मृतक प्राणियों का संस्कार इस पेड़ के नीचे किया जाता था, वरना अच्छे मौसम में लोग मृतकों का संस्कार सतलुज दरिया के बिल्कुल किनारे पर कच्ची जगह के ऊपर नीचे आसमान के नीचे करते थे। पंजाब या बंगाली बाबा यहाँ पर उन्होंने लोगों की समस्याओं को गौर से देखा। इन समस्याओं को दूर करने के लिए अपने यत्न शुरू किए। बंगाली बाबा ने बताया कि शमशान घाट पर वे अब तक लाखों रुपए का काम करवा चुके हैं। जो भी काम उन्होंने करवाया वह बिना किसी सरकारी मदद के करवाया। उनका कहना है कि वह मृतक प्राणियों पर चढ़े हुए कपड़ों को भेजकर जो पैसा कमाते हैं, उसके अलावा जब कभी किसी का संस्कार होता है तो लोग उन्हें भी पैसे दे जाते हैं। इस सारे पैसे को इकट्ठा करके वह शमशान घाट के ऊपर ही लगवा रहे हैं। अब तक लाखों रुपये शमशान घाट के ऊपर लग चुके हैं। जहाँ आज के युग में हर कोई अपने घर भरने में लगा हुआ है, तो ऐसे ही कुछ लोग जो बिना किसी लालच की पूरी निष्ठा से सेवा कर रहे हैं, ऐसे ही मिसाल पेश कर रहे हैं या बंगाली बाबा। बंगाली बाबा की सेवा को देखते हुए वहाँ के निवासी भी खुश हैं। स्थानीय वासियों ने कहा कि बाबा के आने के बाद शमशान घाट की तस्वीर बदल गई। यहाँ पहले एक टीन की छत होती, अब वहाँ पर ज़्यादा टीन की छतें बन चुकी है। वहीं पीने वाले पानी की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने कहा कि बंगाली बाबा निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। मैं गुरमीत सिंह सरपंच पिंड पटोली कीरतपुर साहब तो जिहड़ा अपना बंगाली बाबा ने पतालपुरी साहब उन्हें बड़े शमशान घाट वधिया काम करा रहा है। उन्हें पहले शमशान घाट उसने बनाया टुटिया से उन्होंने तैयार किया, उस बाद उत्ते फ्लैशां बनाइया, फिर उत्ते दो कमरे बनाए उन्हें वधिया। हूँ पिछे हड़ आ गया था, पिछे एक संस्कार करने वास्ते जगह नहीं सी। फिर उन्हें हूँ इस वेले जी 3.5-4 लाख रुपया ला के ना जी एक डंगा बना के उच्चा शमशान घाट बना लगे वो जी, तो कि लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना आए। तो होर अपने को लकड़ा भी देता, जो किसी गरीब का कोई संस्कार करने वाला ना हो तो वह संस्कार भी करता, फिर कोई जिस धर्म के मुताबिक हो हरिद्वार भी अस्त पजाता जी। बहुत वधिया बंदा 8-10 साल तो कम कर रहा है इतने, बिना पैसे तो बिना वो किसी वो 4 बंदे भी रखे हुए काम से, उन्होंने तनखा भी दिता। ठीक है जी। मैं कलकत्ता का रहने वाला हूँ, इधर मुझे सब बंगाली बाबा बोलते हैं। कितना समय हो गया थे काम करते हैं? यहाँ हमारे को 7 साल हुआ आए हुए। अच्छा। हाँ जी। ये जो काम हमारे को यहाँ जो संस्कार वाले आते हैं, ये लोग हमें कपड़ा देते हैं यहाँ पे उनका, और जाते टाइम 100-200 रुपया देते हैं, और वही पैसा इकट्ठा करके हमारे पास 4 आदमी दिहाड़ी करते हैं यहाँ पे, उनको दिहाड़ी देते हैं महीने का, और बाकी सब जो पैसे इकट्ठा होता है जोड़ जोड़ के यहाँ हम लगाए जा रहे, धीरे 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 करके जगह को बनाए जा रहे। कितना खर्च किया तुझे 7 सालों में बेचा है? 20 लाख रुपया हो गया। अच्छा। 20 लाख रुपया? 20 लाख रुपया कुछ क्या आप? नहीं, सरकार तरफ से हमारे पास कुछ नहीं है, ये जो पब्लिक का पैसा है, ये पब्लिक का पैसे से हम यहाँ काम कर रहे हैं। ओके। हाँ जी। एक बाबा जी में तो यहाँ ही आना चाहे होता है, लोग आना चाहे, लेकिन हम इनको कोई संदेश देने नहीं चाह रहे, किस लिए जो हमारे को किससे कोई मतलब नहीं है। जिसका श्रद्धा है यहाँ देगा, जिसका श्रद्धा नहीं होगा, जब तक हम रहेंगे हमारे पास कुछ भी, हम थोड़ा थोड़ा करके इसको आगे बढ़ाते रहेंगे काम को, उसको रुकना नहीं हमने। एन स्टार के लिए किरतपुर से संदीप शर्मा की रिपोर्ट।